और ये भी बहुत पुरानी है और मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे चल के, ठीक है। तो देखते हैं और लोगों से पूछते हैं कि कितनी पुरानी और हिस्ट्री के बारे में जानते हैं सब कुछ। सर आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम हाजी अब्दुल फतह है। हाजी अब्दुल फतह, साथ के कौन है आप? कुरेजा। हाजी अब्दुल फतह कुरेजा साहब ने हमें इंटरव्यू दिया और मुझे बताया कि जो दरगाह है ये 400-350 साल पुरानी है और मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। सर ये कितने 100 साल पुरानी है? ये 350 साल पुरानी कदीम बात है। अच्छा, यार मोहम्मद कलोड़ो कौन था? यार मोहम्मद कलोड़ा खानदान है। मियाँ यार मोहम्मद, मियाँ नूर मोहम्मद, ये जो है कलोड़ा खानदान, मियाँ नसीर मोहम्मद है ना, उसके बेटे मतलब ये क्या बादशाही करते थे? ये बादशाही करते थे पहले, ये कोहों पे बादशाही होती थी, ये बादशाही करते थे कदीम। इसकी बादशाही इधर से तख्त का खुदाबाद और इसका राज खुदाबाद, अपनी जो थी ये बनाई थी अपना कब्रिस्तान इधर बनाया, हाफिज था, आलम था, ये बादशाही बादशाही की। अच्छा, मतलब तभी से ये 350 साल पुरानी है मतलब ये दरबार। और कलोड़ा हिस्ट्री जो आती है वही है ना, आबासी जो बोलते हैं सिंधी में बोलते हैं हवा कलोड़े जो दौर जो ये सिंधी में पहा कर देते हैं हवा कलोड़े जो दौर ये ऐसे ही है ना। मतलब अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पुरानी है? ये मस्जिद पुरानी है, ये सारा जो अच्छा खुदाबाद की जो है मस्जिद वो और ये साई ने बनवाई थी माशाल्लाह। मैं तभी तो 350 साल वो 400 साल पुरानी है मतलब साई की जवानी में ये 1701 से 1717 तक बादशाही माशाल्लाह। इधर है, इधर है, देखिए ये कितना पुराना दरख्त है और ये नीचे ये भी ना साईं के दौर में बना था और अभी तक हरियाली है इसके अंदर। देखें ऊपर भरना मूवी, देखें अभी तक हरा लगा पड़ा है, देखिए पत्ते पत्थर लगा पड़ा है, आराम से इधर बंदा सो भी सकता है। कितना पुराना दरख्त है ये देखिए नीचे, अभी मेरे ख्याल से ये तो नीचे और होगा मेरे हिसाब से। तो अभी हम चलते हैं मस्जिद की तरफ, ये साईं यार मोहम्मद कलोड़ो की मस्जिद है उनके दौर की। अभी दरवाजा खोलते हैं अंदर, ये देखें ये मस्जिद है और बहुत ही पुरानी है। आ जाए, आ जाए अंदर, आ जाए। 400 साल पुरानी मस्जिद है, शायद अभी लोग नमाज नहीं पढ़ते यहाँ पे, यहाँ पढ़ते हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। और देखें कितनी पुरानी है, अंदर का रूम है, मुआयना करा दूँ मैं आपको। देखें नीचे जमीन जो है पूरी सूखी पड़ी है, मतलब ये बरसात में भी इसका मरम्मत काम नहीं किया गया, लेकिन कहने वहाँ से इतनी पुरानी है। देखें गुम्बद भी शहीद हो गए और ये देखें नीचे पड़ी हुई है। इधर अंदर अंदर का मायने करो, अंदर का मायने करो, इधर ये देखें ऊपर का नजारा देखें, ये गुम्बद शहीद हो गए बरसात की वजह से। तकरीबन ये है पुरानी 350 साल पुरानी है ये जाए नमाज है मेरे ख्याल से। ये क्या चीज़ क्या से तरह कोई चीज़ है शहीद ना हो जाए? सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए, सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए। और इधर है, इधर है, इधर है, यहाँ से बस बाहर है, बाहर है। मैं आपको और भी चीज़ दिखा रहा हूँ, बहुत ही खराब मैं कह रहा हूँ। देखे दीवारें कितनी पुरानी है, कदीमी दौर की है और मुझे ऐसी चीजें मतलब देखने में मजा आता है और आप भी देखें एंजॉय करें इंशाल्लाह। और देखे कितनी पुरानी 350 साल पुरानी है ये चीज, ये मस्जिद, ये इतने दिखाना ना है। आ जाए, अभी हम जा रहे हैं साईं की दरगाह में अंदर,
साईं यार मोहन कलोड़ी तक आ मिलता आ जा आ बे आ बे इधर आए आए इधर आए ना इधर आए मैं दिखा रहा हूँ ये देखें ये दरवाजा देखें ये ऐसे बंद होता है बहुत ताकत लगा रहा कैसे इसको बंद करते हैं मुझे शायद पता नहीं है चले आगे हम चलते हैं अंदर की तरफ मैं कहता हूँ आ जाए सही यार मोहन करोड़ की जो ये दरबार है और यहाँ पे हस्तियाँ हैं चल आप देख सकते हैं आ जाए अंदर आ जाए ये अब गिर गई है पहले तो मैं आया था ठीक था क्या लिखा थेबो ये लिखा हुआ पूरा बोर्ड गिर गया हमें किसी भी चीज से छेड़खानी नहीं करनी हमें सिर्फ वीडियो करनी है चले आते हैं साईं की दरगाह पे अंदर चलते हैं आ जाए करोड़ों साहब की दरगाह और हम आज जा रहे हैं आपको अंदर जा रहे हैं हम आए थे और माशाल्लाह बहुत ठंडी है आज जहाँ पे हाथ लगा रहे हैं ये लोहा इतना ठंडा लग बर्फ़ की तरह ठंडा है आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन जो चीज़ है मैं आपको बता आप देख सकते हैं यहाँ पे आके देख सकते हैं इधर आ जाओ यहाँ पे साईं की दरबार है माशाल्लाह साईं यार और माशाल्लाह ऊपर का सीन बड़े ये यहाँ से शायद शहीद हो गया यहाँ से बरसात का पानी आता है इधर यहाँ ये देखिए ये जाली है कितनी पुरानी है और कितनी प्यारी डिजाइन बनी है इसके अंदर मुझे लगता है कुछ ना कुछ है कुछ ना कुछ इसके अंदर छुपा हुआ है राज लिखाई की हुई इसके अंदर आपको लग रहा है कुछ है इसके आप कहना आपको आप सजा भाई आपको पता ना इसमें कुछ लिखा हुआ है लिखा हुआ इसके अंदर ये जाली बनी है ये तो बाद में रिसर्च करेंगे इंशाल्लाह चले भाई तरफ चले आ जाए मैं आपको दिखाता हूँ कि साईं यार मोहम्मद करोड़ों की जो है बावर्ची खाना ये है क्या है तो किसी बंदे ने मैं बोला ना ये बावर्ची खाना है साईं का और अंदर जाने का तो मेरे ख्याल से इजाज़त नहीं है लेकिन यहाँ से ही देख सकते हैं आप ये भी पुराना है आने देखे बनना जरा बनना ऊपर के बारो हाँ देखो दिखा ऐसा करें यूँ देखें देखे। ये बावर्ची खाना ठीक है
देखें ये उसी दौर की बनी हुई है, अभी मजार शहीद हो गई है। मजार शहीद हो गई और देखें आप देख सकते हैं ये मजार किसी इस पे भी मेरे ख्याल से गुंबद था वो शहीद हो गया है। ठीक है, इसके अलावा पल्ली तफर बने ये देखें पे आते हैं बहुत है। देखें ये भी देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चीज देखें ये भी मिट्टी की बनी हुई है, लेकिन जड़ जो है जड़ खत्म हो गई है, पुराने दौर की है। इधर आना यहाँ से देखिए मजार है, मजार शरीफ पे पता नहीं किसकी मजार है लेकिन बहुत ही पुरानी है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बलि हैं बुजुर्ग हैं यहाँ पे। चले जी आ जाए।